चाहेंगे क्या है सारा मामला? ये हमारे ये वार्ड नंबर 11 है, ये कनक मंडी बाज़ार, ये दाल वाली गली पड़ती है। यहाँ पे कोई वेयर हाउस में काम करता है एक लेबर का, तो वो उसका टेस्ट हुआ था, वो उसमें पॉजिटिव पाया गया, लेकिन वो यहाँ पे वो छुप के बैठा हुआ था। तो उसको रात को उसका टेस्ट पॉजिटिव आया और उसको ढूंढा गया, तो वो यहाँ पे पकड़ के उसको रात को लेके गए हैं। और उसकी मैं कहती हूँ कि ये कनक मंडी बाज़ार या जो सारा लॉकडाउन रहा है उसके दौरान भी खुलता रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी रश है। और सारे जो मैं कहती हूँ इस कनक मंडी बाज़ार में जो भी लेबर का काम करते हैं, जो दुकानदार हैं, और सभी के लिए मैं कहती हूँ कि टेस्ट जो है ना, जो ज़्यादा से ज़्यादा करवाने चाहिए, और सभी जो भी लेबर वाले हैं उनके टेस्ट होने चाहिए। प्रशासन की तरफ से किस तरह के इंतजाम जहां पर हुए हैं सैनिटेशन को अगर लेकर बात की जाए? ये तो सैनिटेशन अब जो अब रेड जोन में आया है तो सैनिटेशन के लिए आए हैं। इसके अलावा हम काफ़ी देर से बोल रहे हैं कि बाज़ार जो है टाइम टू टाइम हफ्ते में एक बार ही सही जो सैनिटाइज होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैं कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज बाज़ार, क्योंकि अब तो लॉकडाउन इन्होंने पूरी तरह से खोल दिया है। और ये है भी मतलब जो सिटी चौक पुरानी मंडी, ये बिजी बाज़ार है, होलसेल मार्केट यहाँ पे पड़ती है। और मैं कहती हूँ कि इतनी लेबर यहाँ पे काम करती है, और एक एक की वजह से ये देखो आप पूरा कनक मंडी बाज़ार बेयर हाउस सारा बंद, अब कितने दिन और कितने इसकी पॉजिटिव पाए जाते हैं कोई पता नहीं है। तो इसकी मैं कहती हूँ कि प्रशासन से यही कहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज, ज़्यादा से ज़्यादा जितने टेस्ट होते हो सकते हैं तो वो करवाने चाहिए, क्योंकि खोलने के बाद सारा कुछ जो खुला था वो भी बंद होने के से अच्छा है कि जितना, और लोगों से भी मैं कहती हूँ कि जितना सोशल डिस्टेंस जो भी हमारे को प्रशासन बता रहा है उस पर हमारे को भी लोगों को अमल करना चाहिए, ताकि ये इस बीमारी से हम खुद ही बच सकते हैं। क्योंकि ये जो कोरोना है ये किसी का सगा नहीं है, किसी को ये बख्शेगा नहीं। जो जितना हमारे जो ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इससे पीड़ित हो रहे हैं, तो हम तो कहाँ, तो इसके यही है कि हम लोगों को खुद ही इसका बचाव करना चाहिए। ये तो थी यहाँ की कॉरपोरेटर, और यहाँ पर और भी व्यापारी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस सारे मामले को लेके जो इस काम के साथ जुड़े हुए हैं। जी आपका नाम? मैं अश्विनी कुमार शर्मा बोल रहा हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ यहाँ पर, और मेरी मिसेज कॉरपोरेटर है यहाँ पर। हमको रात को 12 बजे से इतनी परेशानी हो गई है कि एक बंदा हमको पकड़ने के लिए कम से कम 10-12 बंदे हमने पकड़े हैं, लेकिन वो आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन वो पुलिस लगी हुई है। एसपी साहब भी आए हैं यहाँ पर, एसएचओ साहब भी आए हैं, रात के लगे हुए हैं बेचारे। तो मेरा कहने का मतलब है डीसी साहब से मैं अपील करता हूँ कि ये जो हमारी कनक मंडी है, अपना सुपर बाज़ार है, पुरानी मंडी है, राजेंद्र बाज़ार है, सराफा बाज़ार है, ये सारा हमारी वार्ड के अंदर पड़ता है, हमारे लोगों को क्यों मुसीबत में डाल रहे हैं आप? पूरा जम्मू कश्मीर का बंदा जो यहाँ पर आ जाता है, आप यहाँ आपके देखिए, मैं इनसे अपील करता हूँ कि जो भी दुकानें हैं, किराने की हैं एक दिन खोलिए, बजाजी की दो दिन खोलिए, मनेरी की खोलिए, हार्डवेयर की खोलिए, राजेंद्र बाज़ार अलहदा खोलिए, कनक मंडी दो दिन रखिए। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं लॉकडाउन में। आपको पता भी है कि ये कोरोना जो आ रहा है ये मुसीबत का घर लेके आ रहा है, इतनी दुनिया यहाँ पर आ रही है, हमारे मोहल्ले वाले तो निकलना मुश्किल हो गया। आज देख लीजिए लॉकडाउन हो गया, लोगों को दूध तक नहीं लेने के लिए निकलने दे रही है, सब्जी निकलने के लिए ले रही है। ये होलसेल की मार्केट है, इस पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। होलसेल की जहाँ भी मार्केट हैं